लॉकडाउन के बीच दिल्ली में शराब की दुकान खुलते ही उसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में नशे में चूर एक शख्स पर इस कदर पागलपन सवार हुआ कि वह पुलिस के वाहन के सामने आ गया। नशे में धुत शख्स पहले जिप्सी के बोनट को पीटता रहा, उसके बाद उसने जिप्सी का आगे का शीशा तक तोड़ डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में तमाशबीन एकत्रित हो गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि किस तरह से एक शराबी की हरकतों को देखने के दौरान लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों का पालन तक नहीं कर रहे। ये कौन सी गला भाई? पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक शख्स की पहचान हरकेश के रूप में हुई है। हरकेश को पुलिस ने ड्यूटी के दौरान बाधा पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने और पब्लिक प्लेस में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने होश में आने के बाद बताया कि पास ही के ठेके से उसने शराब ली। शराब पीने के बाद उसे याद नहीं कि उसने क्या क्या किया।